गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू अ वेरी इंटरेस्टिंग पोएम फ्रॉम योर हॉर्नबिल बुक एंड द पोएम नेम इज फादर टू सन रिटन बाय एलिजाबेथ जेनिंग्स। दिस इज एन ऑटोबायोग्राफिकल स्केच पोएट हैज रिटन अबाउट हिज ओन रिलेशनशिप विथ हिज सन। यू कैन ऑल्सो सी हियर द जनरेशन गैप। आज के समय में जो फादर और सन जो आपस में बात नहीं करते हैं, एक कम्युनिकेशन गैप है, उसको पोएट ने बहुत ही पेनफुली यहाँ पर दिखाने की कोशिश की है और बताया है कि वो अपने सन के साथ उसी कमरे में रहता है, उसी घर में रहता है, लेकिन दोनों के बीच में जो बातचीत है वो बंद क्यों हो गई है, आखिर इसकी वजह क्या है। आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड दो वी हैव लिव टुगेदर नाउ। पोएट कह रहा है कि मैं अपने बच्चे को नहीं समझ पाता हूँ और चूँकि हम दोनों एक साथ रहते हैं, एक ही छत के नीचे रहते हैं, इन द सेम हाउस फॉर ईयर्स। पोएट इज लिविंग विथ हिज सन फॉर मेनी ईयर्स इन द सेम हाउस बट ही इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड हिज सन। आई नो नथिंग ऑफ हिम, कह रहा है कि मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता। सो ट्राई टू बिल्ड अप रिलेशनशिप फ्रॉम हाउ ही वॉज वेन स्मॉल। मैं तब से रिलेशनशिप बनाने की कोशिश कर रहा हूँ जब से मेरा जो बेटा है वो छोटा था, तभी से एक जनरेशन गैप हो गया था, तभी से एक दूरी बन गई थी। कभी कभी होता है कि बहुत ज़्यादा जो फादर होते हैं बहुत सीरियस रहते हैं, हर चीज़ पे डांटते हैं, फटकारते हैं, तो आज के जो बच्चे हैं बहुत सेंसिटिव हैं, तो एक दूरी बना लेते हैं। उनको नहीं समझ में आता है कि ये जो फादर हैं ये उनकी भलाई के लिए डांटते हैं, उनको अच्छा इंसान बनाने के लिए डांटते हैं। लेकिन आज के इन्वायरमेंट में यहाँ पर देखा जा सकता है कि फादर को झुकना पड़ता है और फादर को सन के अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ता है। अगर वो जिद में आ गया तो उसको मोबाइल देना पड़ेगा, लैपटॉप देना पड़ेगा, अगर वो नहीं देता है तो फिर एक दूरी बना लेता है। तो ये मीडिया का भी कमाल है और जो हमारी जो सोच है वो समय के साथ जो एक उसमें चेंजिंग आ रही है, जो एक मैटेरियलिस्टिक सोसाइटी से हम जुड़ गए हैं, तो वो भी देखने को मिलता है परिवार में ये जो जनरेशन गैप के रूप में। तो पोइट इसमें बहुत ही परेशान है, कह रहा है कि मैं बचपन से ही उसके इस रिलेशनशिप को बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं समझ नहीं पाता हूँ कि क्यों ऐसा हो रहा है। मैं अपने बच्चे की इच्छा, मैं उसके सोच को समझ नहीं पा रहा हूँ कि किस दिशा में जा रहा है या उसके अंदर क्या है। ट्राई टू बिल्ड अप रिलेशनशिप फ्रॉम हाउ ही वॉज वेन स्मॉल। पोएट इज ट्राइंग टू मेक द रिलेशनशिप विथ हिज सन फॉर मेनी ईयर्स, येट हैव आई किल्ड द सीड आई स्पेंट। तो अब पोएट सोच रहा है, अब उसको पछतावा हो रहा है, ऐसा लगता है जैसे पोएट यहाँ पर बूढ़ा हो रहा है और उसको अपने सन की कमी की महसूस हो रही है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो फादर होते हैं बहुत रिजिड होते हैं और वो सन के बात का महत्व नहीं देते। अगर हम सन के तरफ से बात करें तो आजकल जो फादर हैं वो बहुत रिजिड होते हैं, कुछ फादर ऐसे होते हैं, और वो अपने बिजनेस में इतना उलझे होते हैं कि वो अपने सन को समय नहीं दे पाते हैं। तो ऐसे वक्त में जब वो जवान रहता है फादर, उसको एहसास नहीं होता है कि दूरी बढ़ रही है, बल्कि जब बूढ़ा होता है तब उसको पता चलता है कि उसको सन की ज़रूरत है, उसको सन के पास बैठना चाहिए या सन को उसके पास बैठना चाहिए। तो उसको शायद ये पोएट जो है बूढ़ा हो रहा है, कह रहा है कि क्या मैंने उसी समय गलती कर दी जब वो छोटा था। येट हैव आई किल्ड द सीड आई स्पेंट, मैंने जो बीज बोया क्या उसी दौरान गलती हो गई। बीज बोने का मतलब है क्या शुरुआत में ही ये गलती हो गई, क्योंकि बच्चे के दिमाग में जब शुरू में कोई चीज़ बैठ जाएगी तो वो लास्ट तक निकल नहीं पाती है। स्पेंट और सोन इट वेयर द लैंड इज हिज, मैंने एक ऐसी जगह बीज बोया जहाँ पर, एक ऐसी जगह उसको पैदा किया जहाँ की धरती उसकी अपनी है और मेरे सोच से उसका कोई लेना देना नहीं है। नन ऑफ माइन, वी स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स। वो कह रहा है कि हम अपने ही घर में स्ट्रेंजर की तरह बात करते हैं। देर इज़ नो साइन ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन द एयर, हम दोनों में कोई भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। दिस चाइल्ड इज बिल्ट टू माई डिज़ाइन, ये देखने में तो ये बच्चा मेरे जैसा लगता है, इसका जो लोग कहते भी हैं कि ये चेहरा जो है ये तुम्हारे पर गया है, लेकिन जो सोच है वो जमीन आसमान का अंतर है। बच्चा देखने में फादर जैसा लग रहा है लेकिन उसकी सोच है वो फादर जैसी नहीं है। येट व्हाट ही लव्स आई कैन नॉट से। पोएट इज़ वेरी सरप्राइजिंग, वेरी शॉक, ही इज सेइंग दैट व्हाट ही लव्स, वो क्या चाहता है, उसकी क्या इच्छा है, मैं आज तक समझ नहीं पाया।
साइलेंस सराउंड्स अस, हम दोनों के बीच में एक चुप्पी छाई रहती है। आई वुड हैव हिम प्रोडिगल, अब एक वजह है जिसके वजह से फादर सन से दूर हो गया था और वो है प्रोडिगल। प्रोडिगल का मतलब है हैबिट ऑफ वेस्टिंग मनी। द सन वॉज इन हैबिट ऑफ वेस्टिंग मनी, दैट्स वाई द फादर वॉज वेरी सैड एंड ही मेड द रिलेशनशिप वेरी क्रिटिकल। तो सन की जो खर्चीली, खर्चा करने का बहुत आदत था, खर्चीली जो आदतें थी उसको बदलना चाहता था फादर, लेकिन वो नहीं बदल पाया। लेकिन अब जब फादर जो है बूढ़ा हो रहा है, वो कह रहा है कि मैं तुम्हारे इन बुरी आदतों को भी स्वीकार करता हूँ। फादर यहाँ पर बहुत लाचार है। जब बूढ़े होते हैं फादर, तब उनको सन के हर कंडीशन मंजूर हो जाती है, लेकिन सन समझ नहीं पाते हैं कि वो जो सिचुएशन था जब फादर यंग रहा होगा तो अपने बेटे को अच्छा, अच्छे रास्ते पर लाने का ही उसने प्रयास किया होगा, कुछ कड़े कदम उठाए होंगे जो सन को पसंद नहीं आया होगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि आई वुड हैव हिम प्रोडिगल, मैं उसके वेस्टफुल, मैं उसके खर्चीली आदत को भी स्वीकार कर लूँगा। रिटर्निंग टू हिज फादर्स हाउस, एक बार वो अपने फादर के घर में आ जाए, मैं उसके बुरी आदतों को भी स्वीकार कर लूँगा। द होम ही न्यू रादर देन सी हिम, जिस घर को जानता है लेकिन अनजान बन के घूम रहा है, मैं चाहता हूँ कि वो मेरे घर में वापस आ जाए। एंड मेक हिम एंड मूव हिज वर्ल्ड, और अपनी दुनिया में रहे, अपनी दुनिया के हिसाब से चले। फादर इज नाउ टोटली वेरी ओल्ड, नाउ बिकमिंग ओल्ड एंड ही इज होपलेस। वो चाहता है कि उसका सन एक बार उसके घर में आ जाए, चाहे भले ही उसके साथ उसकी जो कमियां हैं वो भी आ जाए, उसको स्वीकार करता है। आई वुड फॉरगिट हिम टू, कह रहा है मैं अपने सन को मना कर दूंगा, माफ कर दूंगा, सॉरी, कहा मैं अपने सन को माफ कर दूंगा, पुरानी गलतियों के लिए अब कोई भी पनिशमेंट नहीं दूंगा। शेपिंग फ्रॉम द शारो ए न्यू वर्ल्ड, वो शारो से, मतलब दोनों के बीच में जो गैपिंग है, जो पेनफुल सिचुएशन है, उससे एक लव का एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करना चाहता है, उससे एक अच्छा, एक अच्छी दोस्ती बनाना चाहता है। कहता है कि जो पुराने दुख थे वो उसको मैं भूल जाऊंगा और एक नया रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करूंगा। फादर एंड सन वी बोथ मस्ट लिव ऑन द सेम ग्लोब, फिर कह रहा है कि फादर और सन दोनों एक ही छत के नीचे रहते हैं, दोनों एक ही कमरे में रहते हैं। एंड द सेम लैंड ही स्पीक्स आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, और वो जो क्या बात करता है मेरी समझ में नहीं आता है। माई सेल्फ वाई एंगर ग्रोज फ्रॉम ग्रीफ, ऐसा क्यों हो गया कि मुझे गुस्सा आ गया था और मैं बहुत दुखी हो गया था और मैंने सन को डांट दिया था, फटकार दिया था, और ये स्थिति हो गई कि वो ना मुझसे बात करता है और ना कोई रिलेशनशिप बनाना चाहता है। वी ईच पुट आउट एन एम्प्टी हैंड, यहाँ पर फादर का एक ईगो था, जब फादर यंग था तो उसके अंदर ईगो था और वो सन को अपने कंडीशन पर चलाना चाहता था, लेकिन आज का समय बदल गया है। आज तो फादर को फ्रेंडशिप के सहारे ही अपने रिलेशनशिप को बना सकता है। तो यहाँ पर बहुत पछतावा हो रहा है पोएट, वो कह रहा है कि क्यों मैंने अपने दुख को एंगर में बदल दिया था और हम अब समझौता करने के लिए तैयार हैं, दोनों तैयार हैं कि रिलेशनशिप बने, लेकिन यहाँ पर ईगो प्रॉब्लम आती है, वो कोई भी आगे नहीं बढ़ता है। भले ही दोनों के अंदर है कि रिलेशनशिप फिर से बन जाए, लेकिन दोनों अपने ईगो को झुकने नहीं देना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि कोई पहल करे। ऐसा करते करते काफ़ी समय बीत गया है। लॉन्गिंग फॉर समथिंग टू फॉरगिव, दोनों एक दूसरे को कुछ देना चाहते हैं, कुछ दोनों के लिए करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते। फिर से देखते हैं, द आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस चाइल्ड दो वी हैव लिव टुगेदर नाउ। पोएट और सन दोनों एक ही छत के नीचे एक ही कमरे में रहते हैं, लेकिन पोएट कह रहा है कि मैं इतने सालों से अपने सन के साथ रह रहा हूँ, लेकिन हम दोनों के बीच में अभी तक कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। वो क्या सोचता है, क्या चाहता है, क्या उसकी इच्छाएं हैं और क्या सपने हैं, मैं अभी तक नहीं समझ पाया। और क्या ये गलती मुझसे शुरुआत में ही हो गई जब वो बचपन में बहुत छोटा था, क्या उसी समय ऐसा दूरी बना लिया था मैंने। अब हम दोनों बात करते हैं तो स्ट्रेंजर की तरह बात करते हैं, हम दोनों में कोई भी अंडरस्टैंड